बिहार में मोकामा विधानसभा चुनाव को पूरा देश जानता है। गूगल पर सर्च करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये इलाका बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। इस इलाके को लोग भूमिहारों का गढ़ भी मानते हैं और इस इलाके को लोग अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के गढ़ के नाम से भी जानते हैं। और पिछले 20 वर्षों में भूमिहार के इस किले पर अनंत सिंह का राज है। अनंत सिंह के सजा याफ्ता होने के बाद से उनकी विधायकी रद्द हो गई है। हालांकि मोकामा पर 90 के दशक से बाहुबलियों का दबदबा रहा है। इस दौरान यहां से 2 बार अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह विधायक बने हैं, तो 1 बार सूरजभान सिंह भी जीते हैं। ऐसे में आज हम आपको मोकामा विधानसभा चुनाव के पिछले 5 चुनावी रिजल्ट के बारे में बताएंगे, जिससे आप मोकामा विधानसभा क्षेत्र का नेचर समझ सकते हैं। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर वर्ष 2000 के चुनावी रिजल्ट पर नजर डालते हैं। 2000 की चुनावी स्थिति पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि वर्ष 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सूरजभान सिंह ने बाजी मारी थी। सूरजभान सिंह ने ये चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता था। दरअसल मोकामा पर 90 के दशक से ही बाहुबलियों का दबदबा हो गया था। तब उस क्षेत्र में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का दबदबा था। वे कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर सिंह की मदद करते थे। कहा जाता है कि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था। तब दिलीप सिंह चुनाव मैदान में खुद आ गए और विधायक बन गए। लेकिन वर्ष 2000 में दिलीप सिंह के खिलाफ सूरजभान सिंह ने मोर्चा खोल दिया। चूंकि सूरजभान सिंह के नाम भी अपराध की दुनिया में था, इसलिए उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस पर वे निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। कहा जाता है कि एक समय था जब दिलीप सिंह सूरजभान सिंह के गुरु कहे जाते थे। जब सूरजभान सिंह ने पर्चा भरा तो सब चौंक गए थे, जबकि दिलीप सिंह मंत्री रह चुके थे। चुनाव परिणाम घोषित हुए तो सूरजभान सिंह विधायक बन गए थे। विधायक बनने के बाद सूरजभान का रुतबा काफी बढ़ गया था। और सबसे बड़ी बात कि सूरजभान सिंह भी दिलीप सिंह की तरह भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए कहा गया कि मोकामा से जीते भी भूमिहार और हारे भी भूमिहार। मोकामा के चुनावी रिजल्ट वाली लिस्ट में वर्ष 2005 चौथे नंबर पर है। दरअसल 70 के दशक से ही मोकामा से भूमिहार समाज के नेता विधायक बनते आ रहे थे। दिलीप सिंह और सूरजभान सिंह के पहले भूमिहार समाज से ही आने वाले श्याम सुंदर सिंह और कृष्णा साही भी 2-2 बार वहां से चुनाव जीत चुके थे। 2000 में विधायक बने सूरजभान सिंह 2004 में ही लोजपा के टिकट पर सांसद बन चुके थे, जबकि अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह 2003 में MLC बन गए थे। ऐसे में 2005 के चुनाव के लिए सीट खाली थी। उस समय तक नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भी गठन हो गया था। इधर अनंत सिंह भी मोकामा लौट आए थे। दरअसल अनंत सिंह कम उम्र में वैराग्य ले रहे थे और साधु बनने के लिए अयोध्या और हरिद्वार घूम रहे थे, लेकिन वे साधुओं के जिस दल में थे वहां झगड़ा हो गया। वैराग्य से मन उचटने ही लगा था कि सबसे बड़े भाई विरंजी सिंह की हत्या हो गई। फिर क्या था, अनंत पर बदला लेने का भूत सवार हो गया और इस तरह मोकामा लौट आए। उनके नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ी तो जदयू ने अनंत सिंह को टिकट दे दिया। इस तरह अनंत सिंह पहली बार विधायक बने, लेकिन फरवरी 2005 के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं हुआ। तब उसी साल अक्टूबर नवंबर में दोबारा चुनाव हुआ और अनंत सिंह फिर जीते। इस तरह अनंत सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने। अब बात करते हैं 2010 के चुनावी रिजल्ट की। इस लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर है। इस चुनाव में भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने अनंत सिंह पर ही भरोसा जताया। एक बार फिर वे मोकामा की सियासी लड़ाई में कूद पड़े। दरअसल 2 चुनावों में सफलता मिलने के बाद अनंत सिंह का कद बढ़ता चला गया। पैसा कास्ट के साथ हुई पॉलिटिक्स में भी ताकत बढ़ गई थी। भूमिहारों के अलावा गरीब गुरबों में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। रौबदार मूछे, काउबॉय हैट और हमेशा चश्मा पहनने के शौकीन अनंत सिंह का रसूख लगातार बढ़ता ही जा रहा था। इस पर उनका छठ पर धोती बांटना, रोजगार के लिए गरीबों को तांगे देकर मदद करना और रमजान के दिनों में इफ्तार करना, ये कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने उन्हें गरीबों का मसीहा और छोटे सरकार बना दिया। और ऐसे में नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि ने जीतने में काफी मदद की। और जब रिजल्ट आया तो अनंत सिंह के दबदबा के आगे सब फेल हो गया। इस तरह तीसरी बार अनंत सिंह विधायक बने।
इस लिस्ट में 2015 का चुनाव और उसका रिजल्ट है। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में साबित कर दिया कि मुकामा के मालिक अनंत सिंह ही है और कोई नहीं। दरअसल 2015 में अनंत सिंह के साथ नीतीश कुमार का रिश्ता खराब होने लगा था। मुकामा विधायक की आपराधिक छवि नीतीश कुमार के लिए सुशासन वाली इमेज गड़बड़ाने लगी थी। इसी बीच अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार का हाथ जोड़ते हुए फोटो भी वायरल हो गया था। इससे नीतीश कुमार की छवि पर विरोधी हमला करने लगे थे। इसके बाद 2015 के चुनाव के पहले अनंत सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया था। तब आरजेडी का भी संबंध अनंत सिंह से ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, 2015 में बिहार का सियासी घटनाक्रम बदला। नीतीश कुमार बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ आ गए। लालू और नीतीश एक साथ आ गए। ऐसे में अनंत सिंह निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और तो और वे पुराने मामले में जेल चले गए। इस तरह साल 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने जेल से ही लड़ा। अनंत सिंह ने एक दिन भी प्रचार नहीं किया, बावजूद इसके वो 18,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और इस तरह 2015 के रिजल्ट ने साबित कर दिया कि मोकामा में अनंत सिंह के आगे कोई नहीं है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस बार अनंत सिंह की पार्टी बदल गई थी। 2020 के आते आते वे लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा करने लगे थे। तेजस्वी यादव से भी उनके रिश्ते अच्छे हो गए थे। तेजस्वी A to Z की बात करने लगे। आरजेडी के माय समीकरण से भूमियाय समीकरण की ओर बढ़ गया था। ऐसे में आरजेडी ने मोकामा से अनंत सिंह को टिकट दिया। इस सीट से जदयू ने राजीव लोचन सिंह को मैदान में उतारा। खास बात ये कि अनंत सिंह पांचवी बार चुनाव मैदान में थे। वे 2005 से ही लगातार विधायक बन रहे थे। उनका जनता पर दबदबा भी काफी बढ़ गया था। इसी बीच अनंत सिंह पर आपराधिक मामले भी बढ़ते गए। उनके खिलाफ प्रदेश के विभिन्न जिलों में 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो गए, जबकि विधायक बनने के पूर्व अनंत सिंह पर 1 दर्जन मामले दर्ज थे। इस वजह से चुनाव के समय अनंत सिंह जेल में थे, लेकिन इलाके में दबदबा के कारण वे जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए। उन्होंने जदयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को 35,757 मतों से हराया। इस प्रकार अनंत सिंह पांचवी बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, लेकिन अपराध के मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से उनकी विधायकी ही चली गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।